नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से। आइए आज 2 जुलाई की दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। झांसी जिला के बड़ागांव गढ़माऊ स्टेशन के पास एक महिला की कटी हुई लाश मिली। अभी तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी है कि महिला कहां की है। फैजाबाद जिला के गांव खालेपुरवा के विनोद और मुरारी तिवारी ने एक शिकायत में कहा कि गांव के दबंगों ने उनके जमीन के रास्ते में कब्जा कर लिया है, पर अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। चित्रकूट जिला में वन महोत्सव की शुरुआत डीएम और एसपी द्वारा किया गया। जिले में 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। महोबा जिला के कबरई पुलिस ने पकड़ा फर्जी केसर गुटका बेचने वाला कानपुर का बताया जा रहा है। बनारस जिला में बीमार नर्स की आईसीयू में बेड न मिलने से हुई मौत। वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि बेड बढ़ाने की चल रही है बात। हमारी राष्ट्रीय राजनीति को भाजपा कांग्रेस विरोधी आंदोलन यानी प्रतिरोधक का ही नतीजा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, खुद भाजपा भी नहीं। वे चाहते हैं कि हम इमरजेंसी के बारे में जानें, लेकिन उतना जितने से उन्हें नुकसान ना पहुंचे। अंतरधर्मी दंपती के पासपोर्ट के संबंधित विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर अशब्दों का सामना कर रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण किया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों से पूछा था कि क्या वे इस तरह के ट्रोलिंग की स्वीकृति देते हैं। 57% लोगों ने कहा कि वे इसका विरोध करते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश की महागठबंधन में वापसी दूर की बात है, ये उन्हें अपने घर तक में नहीं घुसने देंगे। देश के कई राज्यों में बच्चा चोर समझकर लोगों की पीट कर हत्या करने का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिखता। पर रविवार को महाराष्ट्र के खुदहुले जिले में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी करने के संदेश में 5 लोगों को सरेआम हत्या कर दी। नई दिल्ली माकपा ने देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर सिर्फ प्रचार और वीडियो जारी करने का तमाशा करने का आरोप लगाया है। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर सरकार के निराशाजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था डूब रही है और हर मामले में गरीब भारतीयों की समान गुजर बसर मुश्किल हो रही है। ये रही आज दिन भर की मुख्य खबरें। कल की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।